घर आ जाइए, बहुत दिनों के बाद आए हो। दिल करता है कि आपकी सूरत को देखती ही रहूं, आपसे नजरें ना हटाऊं। अगर आप आ जाए हो वो भी बिना बताए तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दिल में अपार खुशी है और मैं आपका आरता उतारना चाहती हूँ। आरता उतारना? जी, आरता उतारूंगी। मैं तेरे आरते के थाल को ठोकर मारता हूँ और मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब यहां मेरा आरता उतारना चाहती है और वहां मेरे गले में फांसी का फंदा डलवा दिया। डायन, तेरी सकल से नफरत है। आज से पहले कभी ना तो आपने मेरे आरते के थाल को ठुकराया है और ना ही मेरे लिए ऐसे अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों ठोकर मारी। बता, क्या पूछना चाहती है? एक एक बात का जवाब, और इन लोगों के सामने बता के जाऊंगा कि अगर मैं फांसी चढ़ रहा हूं तो मेरी बेहुदी औरत के कारण फांसी चढ़ रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता। सुने, क्यों ठुकराया थाल पिया, तेरी रोवे प्राणों प्यारी, तू प्राणों प्यारी नहीं है बल्कि प्राणों की हत्यारी है। नहीं पियाजी। और कर लेना बदकार आरता, जिस ते जोड़ी यारी हो, जिस ते जोड़ी यारी। अरे क्यों ठुकराया थाल पिया तेरी प्राणों प्यारी, कर लेना बदकार आरता, जिस ते जोड़ी यारी हो, जिस ते जोड़ी यारी। शरीर मेरा मत करो जबान गंदी, और दरबार में जाहिर होगी किरणमयी झर चांदी। कौन सा देखा पाप पिया जो बोलन पे पाबंदी, देख लिया सबूत तेरा वो सभा नहीं दियांदी, देख लिया सबूत तेरा वो सभा नहीं दियांदी। मैं बोलू मंदी मंदी, जोर ते बोल, मैं बोलू मंदी मंदी, तुम शोर करो क्यों भारी, और शोर जगत में आप ही फैल जा, शोर जगत में आप फैल जा, जब मर जा छतरदारी, जब मर जा छतरदारी। कसम उठा सकती है एक वैसा करके जारी हो, अरे वैसा करके जारी।
शर्म औरत, सबके सामने तू शेर खान को भी नहीं जानती। और बढ़िया तरह बोलो, कम बोलो। तेरी जैसी औरत के लिए एक बेहया शब्द तो मैंने बहुत छोटा सा शब्द किया है। महाराज आपकी तलवार कहाँ है? तू कुलघातनी है, कलंकनी है, डायन और डंकनी है, पिचासनी है। तुझे मुझे मुंह दिखाने से पहले कहीं कुएं में डूब के मर जाना चाहिए था। मर जाती और अब मरूंगी भी, जो बिना गलती के आप इतना कुछ कह रहे हो मुझे। महाराज गलती, आपकी तलवार कहाँ है? गलती, अगर मैंने इतनी बड़ी गलती या गलता किया है तो अपनी तलवार से आप मेरी गर्दन को काट दीजिए, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। न्याय तो मुझे ही नहीं मिल रहा है, सुनो मेरी बात। हाँ। वैश्या के कागज पे साजन नाम लिखो ना मेरा, और मार बाड़ते उजड़ कर दिया राजपूता का डेरा। पतिव्रता कने मातल मैं नाम रटू थी तेरा। तू मेरा नाम रटे थी जी, जैसे ओम का नाम रटती है, भगवान का नाम रटती है दुनिया, ऐसे तू मेरा नाम रटे, आपका नाम, मेरा नाम रटे थी। बहुत अच्छे से महाराज, यहाँ तक कि मैं खाना भी खाती हूँ ना, और जब आप नहीं होते हो तो आपके फोटो को खाना खिलाती हूँ पहले, बाद में मैं खाना खाती हूँ। भगवान से भी पहले आपका नाम लेती हूँ, दिन रात आपके चरण दबाती हूँ। और क्या चाहिए तुझे? देखो जी, एक याई में इतने गुणे नहीं, तो नन्ने तो बिचारी ने कहीं ने हाथ खड़े करे ना, ये तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखे। हाँ, तेरे अंदर सारे के सारे। मैं कितनी अच्छी हूँ, तुझे तो मेरे बारे में सारी बात पता है, किसी को पता हो कि नहीं। मैं तो तेरी बात का एक ही जवाब देना चाहता हूँ, अब क्या कहे जरा। अरे पतिव्रता कने मातल मैं नाम रटू थी तेरा, नजरों आके ते हट जा तेरो इतना ही धर्म बाते, जहाँ शेर खां सेज चढ़ा, तेरी जहाँ शेर खां सेज चढ़ा, वहाँ गई वीरता बारी, ओ गई वीरता बारी। ओए होए, क्या बात है, किधर गई थी। जो समझदार इंसान होता है वो अपनों के ऐबों को छुपा लिया करता है, और एक आप है जो मेरे बिना कसूर के मुझे चरित्रहीन बता रहे हो। तेरा कसूर नहीं है, नहीं, तू शेर खान को नहीं जानती। मैं नहीं जानती, नहीं पहचानती, नहीं जानती ना पहचानती। तो बता, अगर तू शेर खान को नहीं जानती नहीं पहचानती तो मेरे जो फेंटा और कटारी है वो मुझे लाके दे दे। यही बात का कलेश है बस, की छोटी बात है, छोटी बात है। वो आपकी बुआ लेके चली गई मुझसे। कौन लेके चली गई? आपकी बुआ जी। मेरी तो कोई बुआ ही नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा ही कहा था कि आपकी बुआ है वो। अच्छा, जिसकी डेढ़ हाथ लंबी दाढ़ी वो शेर खान तुझे बुआ दिखाई देता है? उचीक नीचे पट्टी कहीं दाढ़ी वाड़ी कुछ ना। हाँ, शेर खान को इतनी लंबी दाढ़ी है वो तुझे बुआ दिखाई देता है, जो एक महीने तेरे महल में रंग रलिया मना के गया है। बस महाराज, इससे पहले कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं, अब एक शब्द और मत निकालना और सुनो मेरी बात। घोर अंधेरे घर में दीपक चसा लुगाई दे, घोर अंधेरे घर में दीपक चसा लुगाई दे, और कई वर्षों तक ना लिकड़े ऐसा फंसा लुगाई दे, रोते हुए आदमी ने भी कदे कदे हंसा लुगाई दे। प्रेमी सजनों, इनका बेरा नहीं पाटे, वैसे मैंने कहना अगली रागनी में ज्यादा बड़ाई करूंगा। सुनो मेरी बात। धूल उड़ाए ते साजन कदा सूरज अटता कोना, राहु के आगे सूरज का के रंग पलटता कोना। छोड़ रो
रो रही है, रो रही है क्या? और क्या, आंसू तो आई नहीं रे? आंसू ने तो गैल गैल पी रही हूं। तम पे भी ड्रामा करने नहीं आते हो तो सीख लो इस पैसे। महाराज बहुत दिल दुखी आज ये देखो सुनो, वैसे माता बहन बुरा मान जाएंगे लेकिन मेरा जो छोटा सा अनुभव है वो बता रहा हूँ सरदारो, बाकी आप ज्यादा अनुभवी बैठे हो। अगर रामपाल भाई साहब घर वालों कैसे ही काबू में नहावे तो एक सबसे बड़ा हथियार है पे, बस यूं कहने झट वो बेचारा मर्द मान से इतना गाफिल हो, इतने में ही बहुत नरम हृदय को है जाए। तू हुआ नरम कि नहीं? मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं अपने क्षत्रापन से विपरीत नहीं जा सकता। मैं तो तुझे खत्म कर देना चाहता ऐसा था। मत करो, हत्या लगेगी। लेकिन यही तो कह रहा हूँ, शेर खान रंडवा हो जाएगा इसलिए तुझे नहीं मारा। बाहर में जाओ, शेर खान में कोई शेर खान वेर खान नहीं जाता। कह तो जवाब दूंगा। छोड़ रोवती चाल पड़े मेरा हृदय डटता कोना, कब औरत का ध्यान पलट जा ये बेरा पटता कोना, औरत का ध्यान पलट जा बेरा पटता कोना, छंद जयकरण छटता कोना, हे छंद जयकरण छटता कोना, वीरों की मती नारी गावे से नरदेव साथ में मनु की लहदारी हो, मनु की लहदारी, क्यों ठुकराया थाल पिया तेरी वे प्राणा प्यारी, और कर लेना पदकार आरता जिस ते जोड़िया